नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी रांची की पांच प्रमुख गतिविधियां इस तरह रही। झारखंड में पहले चरण में 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। पहले चरण में राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में चुनाव होना है। इसके लिए 30,000 से अधिक प्रत्याशियों द्वारा पर्चा दाखिल किया गया है। देर रात तक नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों का पूरा ब्यौरा मिलने की संभावना है। इधर दूसरे चरण के लिए भी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। देवघर के त्रिकुट रोपवे हादसे में गंभीर रूप से घायल 1.5 वर्षीय आनंद का इलाज पूरा हो गया है। रांची के मेडिका अस्पताल में उसके चेहरे पर आए मल्टीपल चोट और टूटे फ्रैक्चरों को जोड़ दिया गया है। आनंद के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार ने उठाया। आज आनंद का इलाज पूरा हो गया और उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्यसभा चुनाव 2010 में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आज रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बरही विधायक उमाशंकर अकेला, तत्कालीन विधायक राजेश रंजन और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की ओर से अदालत को यह जानकारी दी गई कि सीबीआई द्वारा इस मामले से जुड़े कई दस्तावेज उन्हें नहीं दिए गए हैं। इस आधार पर उन्होंने अदालत से चार्ज फ्रेम की तिथि को विस्तार देने का आग्रह किया। इस आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सीबीआई को सभी आरोपियों को दस्तावेज सौंपने का निर्देश दिया। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सीएनजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने आज पोस्टर लॉन्च कर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि आज सांकेतिक रूप से पोस्टर लॉन्च की गई है। इसी पोस्टर को बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में पूरे राज्य में लगाया जाएगा और जन जागरण अभियान चलाया जाएगा तथा महंगाई के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। आगे ला रही पांच राज्यों के चुनाव के बाद जो लोगों की आशंका थी कि पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी के दाम बढ़ेंगे, आज के दिन रांची में पेट्रोल 109 रुपए प्रति लीटर हो गया। 2014 में जो गैस 400 रुपए में मिला करते थे, आज 1200 रुपए में मिल गया। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत कम होने के बावजूद देश की जनता को उसका फायदा नहीं हुआ। झारखंड राज्य में कांग्रेस जनों द्वारा एक राज्यव्यापी आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। आज हमने पोस्टर लॉन्चिंग किया है। इसके माध्यम से हम हास्य विनोद भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ये कहा करते थे, भाइयों बहनों पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, भाइयों बहनों अब की बार इसकी सरकार। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से दिखाया है। बेरोजगारों को रख लिया है धक्का मारने के लिए गाड़ी में, विकास ये दिखाई दे रहे। राज्य में 25 और 26 अप्रैल से फिर कई जिलों में लू चल सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान में बताया है कि राज्य के गढ़वा, पलामू, कोडरमा और गिरिडीह में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। 27 अप्रैल के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल लेगा और राज्य के कई हिस्सों में विशेषकर संथाल परगना में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। बात देश की, बात जिले की और बात शहर की, खबर पर बात, असर पर बात, आपसे जुड़ी हर बात, अपने राज्य की हर बात, व्यवस्था और हालात, जोड़ते जाइए और जुड़ते जाइए। तो बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।